Students, now we will discuss the significance of the symbols of an element. Symbol हमें क्या क्या जानकारी देता है बच्चे, हमें वो डिस्कस करनी है. तो देखो सिंबल रिप्रेजेंट्स, सिंबल रिप्रेजेंट्स नेम ऑफ एन ऑफ द एलिमेंट. मतलब बच्चे जब भी हम कोई सिंबल लिखते हैं, सपोज कार्बन सी, इट आल्सो टेल्स दैट ऑफ विच एलिमेंट द सिंबल इज. कार्बन रिप्रेजेंट कार्बन, सी कैपिटल सी रिप्रेजेंट द एलिमेंट कार्बन, वेयर ओ रिप्रेजेंट द ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम एल रिप्रेजेंट्स एल्यूमिनियम. तो बच्चे हमें जो कैपिटल ए स्मॉल एल मीन्स ए एल रिप्रेजेंट द एलिमेंट एल्यूमिनियम. नेक्स्ट बच्चे हमें और क्या बताता है बच्चे, एक सिंबल हमें यह बताता है कि ये एक एटम है. एग्जाम्पल पहले लिखिए बच्चे, सिंबल रिप्रेजेंट्स, सिंबल रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट. मीन्स बच्चे सपोज आई रिटन कैपिटल सी, इट मीन्स इट इज सिंगल कार्बन एटम, वन एटम ऑफ कार्बन. तो हम और क्या बता सकते हैं बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल आल्सो रिप्रेजेंट्स वन मोल ऑफ द एलिमेंट. बच्चे इस पॉइंट को हम ज्यादा डिटेल में ना मोल कंसेप्ट में पढ़ेंगे, जो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हम उसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे. तो हमें एक मोल का मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे एक डजन के अंदर 12, वन डजन मीन्स क्या होता है बच्चे 12 नंबर, वन एक दर्जन. वन डजन इज इक्वल टू 12 बना, तो हम बोलते हैं ना एक दर्जन बनाना मीन्स 12 क्वांटिटी 12. उसी तरीके से बच्चे एक मोल का मतलब, जैसे एक पेयर का मतलब क्या होता बच्चे, दो क्वांटिटी. उसी तरीके से बच्चे हम आगे पढ़ेंगे एक मोल का मतलब क्या होता बच्चे, एक मोल का मतलब होता है एनए, और वी कैन से एनए मीन्स एवोगैड्रो नंबर, मीन्स 6.023 into 10 raised to power 23 particles. But here we are discussing about atoms, then we say atoms. So what we can say, it represents or that is symbol also represents 6.022 or simply we can say 6.023 into 10 raised to power 23 atoms of the element, atoms of the elements. तो ये 1 point, ये बच्चे एक्चुअली एवोगैड्रो लो था हमारा, जो हम अभी हायर क्लास में पढ़ेंगे, तो या फिर हम इसको डिस्कस करेंगे बच्चे आने वाले टॉपिक दैट इज मोल कंसेप्ट के अंदर, डिटेल में हम मोल कंसेप्ट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल लिखिए. और हमें क्या बताता है कोई भी सिंबल, सिंबल रिप्रेजेंट्स अ डेफिनेट मास ऑफ द एलिमेंट, डेफिनेट मास ऑफ द एलिमेंट दैट इज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, और वी कैन से दैट इज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट. तो बच्चे कुछ पॉइंट्स थे जो हमें डिस्कस कर रहे थे, इस पॉइंट का मतलब बच्चे लास्ट का क्या मतलब, जैसे कार्बन है, कार्बन हमें क्या बताता है कि इस एक एटम का मास 12 U है. बच्चे U क्या है यहां पर, AMU है, AMU की यूनिट है बच्चे, जैसे क्या है AMU की जो यूनिट है वो क्या है, U है,
जैसे हम बोलते हैं लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, मीटर के अंदर, किसमें, मीटर, जिसका सिंबल क्या बच्चे एम है। उसी तरीके से बच्चे एमयू क्या, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, एटॉमिक मास यूनिट। या इसे अगर हम ग्राम में बात करें तो 12 ग्राम, ये क्या बच्चे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, इसे अभी हम कुछ टाइम बाद डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि नया टॉपिक है बच्चे, काफी नई चीज सीखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस लाइन को, तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमें डेफिनेट मास बताता है कोई भी एलिमेंट। एक्चुअली बच्चे जब भी कोई एलिमेंट बताया जाता है तो उसके बारे में कुछ सारी चीजें लिखी जाती है, जैसे यहाँ पर बच्चे आपका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, यहाँ पर आपका मास नंबर लिखा जाता है, ये क्या होता है बच्चे आपका एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है बच्चे आपका मास नंबर। बच्चे मास नंबर और एटॉमिक मास वैसे तो बहुत अलग अलग चीज है, लेकिन आप अभी फिलहाल के यही समझ सकते हो कि मास नंबर और एटॉमिक मास एक ही चीज होती है, क्योंकि बच्चे मास नंबर एक होल नंबर क्वांटिटी है, वही एटॉमिक मास एक एवरेज क्वांटिटी है, जिसे कभी हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स में अगर हमारे पास टाइम होता है तो।